चंद्रावती एक प्राचीन नगर या चंद्रावती एक प्राचीन शहर, इसके अवशेष कहाँ मिले हैं, कहाँ स्थित है, किस नदी पर है, खोज किसने की, सर्वेक्षण कब हुआ और उत्खननकर्ता कौन थे, और इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं इस वीडियो में इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो ये जो चित्र है यह है चंद्रावती नामक प्राचीन शहर का, अर्थात चंद्रावती नामक प्राचीन नगर का। तो देखिए ये जो चंद्रावती नाम का जो नगर है यह कहाँ स्थित है, पहला प्रश्न बनता है। तो स्थित के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो यह माउंट आबू की तलहटी में स्थित है, और यह माउंट आबू की तलहटी में भी आबू रोड के निकट है, और ये जो माउंट आबू है ये सिरोही ज़िले में स्थित है। तो यहाँ आपको याद रखना है सिरोही ज़िले के माउंट आबू की तलहटी में और आबू रोड के निकट इस चंद्रावती नाम के प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। अब ये जो चंद्रावती शहर है ये सेवाणी नदी के दाएं तट पर स्थित था, याद रखना है सेवाणी नदी के दाएं तट पर यह शहर स्थित था। दो प्रश्न बन गए। आगे देखिए इसके जो खोज की थी वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा की गई थी, और कब की गई थी, साल याद रखना है आपको 1822 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने इस चंद्रावती नाम के प्राचीन शहर या नगर की खोज की थी। सर्वेक्षण कार्य की बात करें तो जो सर्वेक्षण कार्य है यह हुआ था 1980 ईस्वी में, और यह सर्वेक्षण कार्य किसके द्वारा किया गया था, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ विश्वविद्यालय बड़ौदा के पुरातत्व विभाग द्वारा ये सर्वेक्षण कार्य किया गया था 1980 ईस्वी में। और इस शहर चंद्रावती जो शहर है प्राचीन, इसका और इससे संबंध क्षेत्र है इसका गहनता से सर्वेक्षण किया गया था। आगे देखिए इसका उत्खनन कब हुआ। देखिए चंद्रावती शहर का जो उत्खनन कार्य किया गया था वो 2013 और 2014 में किया गया था। आपको यहाँ पर दो फैक्ट याद रखने हैं, कौन से, एक तो इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान स्टडीज जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय उदयपुर, और राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग जयपुर, इन दोनों के तत्वावधान में उत्खनन कार्य किया गया था। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं 2013 और 14 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आगे पढ़ते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी कि जो चंद्रावती शहर के अवशेष मिले हैं इसके पूर्वी भाग में दो किले खोजे गए हैं, पूर्वी भाग में दो किले खोजे गए हैं, और इनमें से जो एक किला है वो कैसा है, वर्गाकार है, एक किला वर्गाकार है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 60x60 मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो किला खोजा गया है पूर्वी भाग में, दो किले खोजे गए हैं, उनमें से जो एक किले की बात करें तो वर्गाकार है और 60x60 मीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और इसमें आयताकार तथा गोल बुर्ज बनाए गए हैं। क्यों, क्योंकि गोल बुर्ज और आयताकार बुर्ज बनाकर इस किले की सुरक्षा की गई है। आगे देखिए तीन विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उत्खनन के दौरान, इस शहर में तीन विशाल भवन मिले हैं। अब हमें याद रखना है कि एक कमरे में बड़ी संख्या में क्या मिला है, अनाज के जले हुए बीज, ये आपको याद रखना है, अनाज के जले हुए बीज प्राप्त हुए हैं, और अनाज पीसने की घट्टी प्राप्त हुई है। ये दो चीज़ें याद रखें, जले हुए अनाज के बीज और अनाज पीसने की घट्टी, ये भी खोजी गई है किसमें, चंद्रावती नाम के प्राचीन शहर में। और ये याद रखना है कि जो सभी भवन हैं और यहाँ की जो फर्शे हैं वो ईंटों के बने हुए थे। अब आगे देखिए पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष मिले हैं, पश्चिमी भाग में एक विशाल किले के अवशेष मिले हैं, और ये जो विशाल किला है ना ये लगभग 26 बीघा, लगभग 26 बीघा में फैला है, ये याद रखें, जो विशाल किला मिला है पश्चिमी भाग में। आगे देती देखने इसमें मध्य भाग में 33 मंदिर समूह के अवशेष प्राप्त हुए, इम्पोर्टेंट है, और जो 33 मंदिर समूह के अवशेष मिले हैं और ये मंदिर हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखें, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर 33 मंदिर समूह के अवशेष
प्राप्त हुए हैं और अधिकांश जो मंदिर हैं ये किसके द्वारा निर्मित है, ईंटों के द्वारा निर्मित है और ऊंची जगती पर बनाए गए हैं, ये भी याद रखें। और अगला जो फैक्ट है, जो प्राप्त मूर्तियां, यहां से जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कहां सुरक्षित हैं, माउंट आबू संग्रहालय में। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन रहा है, उत्खनन के दौरान जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। और देखिए चंद्रावती के अभिलेख, चंद्रावती के जो अभिलेख हैं और जो ताम्रपत्र हैं वो भी माउंट आबू संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अब यहाँ पर किले के प्रवेश द्वार पर, देखिए जो किला है, किले के प्रवेश द्वार पर हम बात कर रहे हैं प्रवेश द्वार की, तो किले के प्रवेश द्वार पर 1325 संवत का एक अभिलेख मिला है, यानी कि किले का जो प्रवेश द्वार है उस पर संवत 1325 का एक अभिलेख भी मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ मिला है, चंद्रावती नाम के प्राचीन शहर या नगर में। आगे देखिए, ये जो शहर है, प्राचीन शहर चंद्रावती, यह परमार शासकों की राजधानी था, ध्यान रखें। और यहाँ पर यशोधवल और धारावर्ष जैसे प्रतापी राजा हुए, ये ध्यान रखें, यशोधवल और धारावर्ष जैसे प्रतापी राजा हुए हैं परमार वंश में, तो परमार शासकों की राजधानी रहा था। अब क्या हुआ, परमारों के बाद 14वीं शताब्दी में यहाँ पर देवड़ा राजपूतों का अधिकार हो गया था, 14वीं शताब्दी के अंदर। और 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, 15वीं शताब्दी में यहाँ पर आक्रमण हुए और आक्रमण होने के कारण ये नगर ध्वस्त हो गया, यानी कि ये नगर बर्बाद हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि जो चंद्रावती है, जो इस शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इस शहर के नीचे भी एक अन्य सभ्यता के या अन्य प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखें। चंद्रावती शहर की जब खुदाई की गई थी तो जो अवशेष मिले हैं उसके नीचे भी एक प्राचीन बस्ती के अवशेष मिले हैं। और जो उपलब्ध पुरातात्विक अवशेष हैं उनके आधार पर ये जो बस्ती मिली है नीचे, ये कब की हो सकती है, 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की ये जो बस्ती मिली है इसके नीचे वो हो सकती है, किसके अनुसार, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, चंद्रावती के क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, पाषाणकालीन, चंद्रावती का जो उत्खनन किया गया था उस क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं या पाषाणकालीन वहाँ पर शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। और मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में यह, यानी चंद्रावती शहर, व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो मित्रों, आज का टॉपिक था चंद्रावती नाम के प्राचीन शहर के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद मित्रों।